हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि इससे पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि आपको प्रकाश से टॉप 15 क्वेश्चन यानी मोस्ट वैल्यूएबल या हम कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप 15 लिस्ट में मैंने बनाया था। प्यारे बच्चों, उस 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इससे पिछले वाले क्लास में करा दिए थे। प्यारे बच्चों, और आज के ये 5 क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा आपके बोर्ड के दृष्टि से 99 नहीं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे बोर्ड पेपर में। तो आइए आपके समय को नुकसान ना करते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि लगाया गया होगा, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्या आप बता सकते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में समझो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। जैसे आप किसी वस्तु को देखना चाहते हो, नजदीक की वस्तु को देखना चाहते हो तो तुरंत देख लेते हो, आपकी ये आंखें हो गई। प्यारे बच्चों, जैसे आप ये अपने हाथ को यहाँ देख रहे हो नजदीक पे, थोड़ा दूरी पे कर दिए और देख लिए, और दूरी पे कर दिए और देख लिए, तो क्या हमको वस्तु, जैसे हमने कहा प्यारे बच्चों ये आपके नेत्र हो गए, ये आपके नेत्र हो गए, ये नेत्र हो गया मानव नेत्र। अब जब इस ये जो मानव नेत्र हो गया, जब वस्तु नजदीक पर रहती है और जब वस्तु कुछ दूरी पर रख दिया जाए और जब वस्तु कुछ और दूरी पर रख दिया जाए, प्यारे बच्चों, तो इस नेत्र द्वारा इस वस्तु को यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यानी तीनों जगह प्यारे बच्चों हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, कब, क्या हमको इस नेत्र को जो है क्या ऐसा कुछ करना पड़ता है, जैसे किसी सूक्ष्मदर्शी से, किसी कोई सूक्ष्मदर्शी होता है, जब हम लोग दूर की वस्तुओं को देखना रहता है तो सूक्ष्मदर्शी को बड़ा करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी को बढ़ाते हैं, और जब नज़दीक देखना रहता है तो फोकस दूरी को घटा लेते हैं। ऐसा तो कुछ होता नहीं, मानव नेत्र अपना ऐसा है कि नज़दीक का देखना हुआ तो नज़दीक देख लेंगे, दूर का देखना हुआ तो दूर का देख लेते हैं, हमको मानव नेत्र को बढ़ाना और घटाना नहीं पड़ता। यही मानव नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यही मानव नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। प्यारे बच्चों, तो क्या सुनिएगा, आवश्यकतानुसार, आवश्यकतानुसार फोकस दूरी को बढ़ा लेना या घटा लेना ही मानव नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। और प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, इस बार जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आप वहां क्या जवाब देंगे प्यारे बच्चों, आवश्यकता अनुसार किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को बढ़ा लेना घटा लेना ही मानव नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या एक, सौरभ सर, प्रश्नोत्तर संख्या एक, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, तो प्यारे बच्चों समंजन क्षमता क्या होता है हमने बताया, आप लिखोगे किसी भी वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी बढ़ा लेना, क्या बढ़ा लेना या घटा लेना ही, बढ़ा लेना या घटा लेना ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, मानव नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। अथवा अगर थोड़ा सा छोटा डिफिनीशन आपको देना होगा तो क्या दे सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, क्या प्यारे बच्चों, आवश्यकता, अगर नज़दीक की वस्तुओं को देखने की जरूरत पड़ी तो नज़दीक देख लिए, दूर की वस्तुओं को देखने की जरूरत पड़ी तो दूर की देख लिए, तो आवश्यकता अनुसार,
आवश्यकता अनुसार मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को बढ़ा लेना या घटा लेना ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। प्यारे बच्चों, ये बातें क्लियर हो गई, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। तब हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर ब्लैक वाला मार्कर दीजिए, ठीक। तो इसको हम लोग मूव करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, वो भी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तर संख्या दो, दृष्टि दोष क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो आप देखते हो किसी वस्तु को देखते हो, तो दृष्टि यानी नेत्र जिससे देखा जा रहा है। तो यह हम कहते हैं दृष्टि दोष या नेत्र दोष क्या होता है। दृष्टि दोष क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जानते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। मानव नेत्र में दोष उत्पन्न होना, मानव नेत्र में कमियां आना ही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है प्यारे बच्चों। जब हमारी आंखें, ये जो हमारी आंखें हैं, जब किसी वस्तु को नहीं देख पाती हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बना पाती हैं, तो हम लोग कहते हैं आंख में कुछ कमियां है, आंख में कुछ दोष है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। जैसे ये सामने रखी दो मार्कर को, अगर हमारे नेत्र जो है, हम अपनी आंखों द्वारा इन दोनों मार्करों को नहीं देख पाते हैं, तो हमारे आंखों में क्या है, कमी है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, नेत्र दोष कहेंगे। तो प्यारे बच्चों कैसे बताओगे इसका जवाब, कैसे लिखोगे, मानव नेत्र द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, इसे ही क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है, तो उसे नेत्र दोष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर अस्पष्ट रूप से नहीं बनता है, यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। प्यारे बच्चों आगे पूछा है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो नहीं तीन प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ये कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, दृष्टि दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। प्यारे बच्चों तो ध्यान से समझिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। प्यारे बच्चों एक यहां ट्रिक जरूर पकड़िएगा, जो दोष रहेगा आपको क्या है, निकट दृष्टि दोष है ना, तो आप इस प्रकार का जो दोष होगा उसमें निकट की वस्तुएं, नजदीक की वस्तुएं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो,
जैसे अगर आपको, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नजदीक की वस्तुएं उसको दिखाई पड़ेंगे परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है प्यारे बच्चों। यानी अगर निकट दृष्टि दोष किसी को हुआ है तो वो नजदीक की वस्तुओं को देख सकता है, नजदीक की वस्तुओं को देख सकेगा पर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आप इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हो, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं तथा दूर की नहीं दिखाई पड़ती, तथा दूर की नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो अभी हमने बताया प्यारे बच्चों, इसका ट्रिक पकड़ना है। दूर का मतलब दूर की वस्तुएं हम देख सकते हैं पर नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाएंगे। अगर दूर दृष्टि दोष हुआ तो दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, जो काफी दूर रहेंगी वो दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती रहेंगी, पर जैसे जैसे वो नजदीक आते चला जाएगा वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जैसे ये मार्कर बहुत काफी दूरी पर हो तो ये जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा ये मार्कर दिखाई पड़ेगा, पर जैसे 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 मार्कर नजदीक आते चला आएगा वैसे वैसे उस व्यक्ति को वो मार्कर दिखाई नहीं पड़ेंगे। यानी इसका जवाब क्या मिल गया प्यारे बच्चों? इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। सौरभ सर क्या फाड़ रहे हैं यार, देख रहे हैं तो स्थिति, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम लोग छोटे होते हैं, धीरे छोटे से बड़े होते 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 एक ऐसी उम्र आती है जब हम लोग की उम्र 60 वर्ष हो जाती है। जैसे हम लोग 60 वर्ष के होते हैं, 50 वर्ष की होते हैं, जब 50 को क्रॉस करने लगते हैं तो जो ये हमारे मानव की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। प्यारे बच्चों, उम्र बढ़ते बढ़ते यानी उम्र धीरे धीरे जब आपका 60 के करीब पहुंचने लगता है तो जो मानव नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के दोष में आपको दूर की भी वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती और नज़दीक की भी वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, यानी काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण न तो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और न तो दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार के दोष में न तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं। और इस दोष के निवारण हेतु उत्तल व अवतल लेंस दोनों का उपयोग करते हैं। निवारण के लिए किसके लिए प्यारे बच्चों? निवारण के लिए उत्तल व अवतल लेंस दोनों का उपयोग करते हैं। अब प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करेंगे? दूर दृष्टि दोष जब जिस व्यक्ति को हो जाए तो उसके चश्मे में किस लेंस का उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों? तो सोचिए, इसका नाम दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा? क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है, रेटिना से क्या बनता है? दूर बनता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से नज़दीक बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाएगा, जिसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? इसमें अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इस दोष के निवारण हेतु
निवारण के लिए किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का। और इसका दूर दृष्टि दोष के लिए इसका निवारण होगा उत्तल लेंस। किसका होगा निवारण? होगा उत्तल लेंस। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए दूर दृष्टि दोष हो जाए तो चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष हो जाए तो कौन सा करते हैं प्यारे बच्चों? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर आप एग्जाम के दौरान भूल जाइएगा तो दूर दू 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 से ऊ का मात्रा है ना, तो पकड़िएगा जब दू में ऊ का मात्रा आया तो यहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाएगा, तो बचा दोष क्या हो जाएगा? अवतल का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? 3 है। चलिए प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न क्या करा? ओ तेरी, देखो ये तो वही क्वेश्चन पूछ लिया जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे? बताओ कैसे करोगे भैया? निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे? अरे अभी हमने बताया निकट, निकट मतलब नजदीक की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। क्या बताया? फिर से सुनिएगा, नजदीक की वस्तुएं दिखाई पड़े, दूरी की वस्तुएं न दिखाई पड़े, कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। तो लिखो लिखो जल्दी से, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। क्या होती हैं? दिखाई पड़ती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। ये है प्यारे बच्चों इस दोष के निवारण हेतु, इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे आइए हम आपको समझाते हैं। ये मान लीजिएगा ये आपके प्यारे प्यारे से आँख हो गए, जो प्यारे वाले आँख है मानो नेत्र जिसे आप कहते हो, और ये हो गई जो मानो नेत्र का जो नेत्रिका लेंस होता है प्यारे बच्चों। और ये क्या हो गई, ये वाला जो परत है इस परत को नाम दे दिए रेटिना। अब देखिएगा जब अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण नेत्रिका लेंस पे पड़ती है तो पड़ने के पश्चात जो जिसको ये दोष हुआ रहेगा वो उस पे इस दोष, जिस व्यक्ति के आँख में ये दोष हुआ रहेगा उसका प्रतिबिंब ही रेटिना से पहले बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? रेटिना से पहले बन जाएगा, जिसके कारण इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए रेटिना के नज़दीक बना है, रेटिना पे नहीं बना, इसलिए ये आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेंगी प्यारे बच्चों। अब इसको हमको क्या करना, दूर भेजना है, यानी रेटिना पे पहुँच जाए, ये प्रतिबिंब रेटिना पे पहुंच जाए। तो ये प्रतिबिंब रेटिना पे तब पहुंचेगा जब हम लोग यहाँ किसका उपयोग कर देंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे अवतल लेंस का उपयोग करेंगे वैसे ये प्रकाश किरणें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और जिसके कारण ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा, और जिसके कारण ये वस्तु जहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं वो वस्तु आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 4 क्या कह रहा है? एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, डियर स्टूडेंट एकदम आप समझ लीजिएगा, इन दोनों न्यूमेरिकल को आपको उस हिसाब से लगाना है क्योंकि इस पे आधारित जरूर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और जरूर आएगा प्यारे बच्चों। हो सकता है आपके यही क्वेश्चन मैच कर जाए, तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। और एक न सरल, एकदम सरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, यानी उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है और वो 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी 20 सेंटीमीटर दूर, यानी यू बराबर क्या दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी से जो वस्तु की दूरी होती है सदैव ऋणात्मक होती है, यानी बुक को 20 सेंटीमीटर दूर रखा है तब पढ़ सकता है। आगे कह रहा है
पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए, यानी पुस्तक को वो 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए किस कितनी दूरी के लेंस अपने चश्मे को प्रयुक्त करना चाहता है प्यारे बच्चों। तो सोचिए 20 सेंटीमीटर दूर, तो यानी ये V, एक मिनट जरा सा हम लोगों से ध्यान नहीं दिए हम लोग, V बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी जब 20 सेंटीमीटर पे था तो प्रतिबिंब आप स्पष्ट रूप से बन रहा था, और जब U 25 हो गया यानी अब वो कहना चाह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख दे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर अगर पढ़ना चाहे वो, तो उसको किस फोकस दूरी का लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, चश्मे में जो चश्मा लगाएगा उस चश्मे में उसकी फोकस, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो U, U भी हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से। IF ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, IF ज्ञात करना। तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। अब 1 बटे वी, तो देखिए एक वी का मान माइनस 20 है, माइनस ये माइनस 1 बटे यू का मान माइनस 25 है प्यारे बच्चों, बराबर 1 बटे एफ, ये 1 बटे क्या हो गए माइनस 20 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस 1 बटे 25 बराबर 1 बटे एफ। 25 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए प्यारे बच्चों, अगर एलसीएम लेने में आपको दिक्कतें आ रही तो आप ऐसे ले सकते हो अलग से 20 और 25, तो इनका एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 दहम में 20 एलसीएम, तो 2 दूनी 4 5 20 5 100 कितना आ गया एलसीएम प्यारे बच्चों, 100 आया। अब देखिए 20 5 100, तो 5 बार गया तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस 5 आएगा, 25 चौके 100, तो 4 बार 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 4 आ जाएगा 1 बटे एफ, तो 5 में से 4 घटाओगे तो माइनस 1 बटे 100 बराबर 1 बटे एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई एफ का गुणा 1 से करोगे माइनस एफ बराबर 100 सेंटीमीटर। अब ये माइनस उधर कर देंगे तो एफ बराबर माइनस 100 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों एक बार फिर से देखिएगा, जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ का गुणा माइनस 1 से करोगे तो माइनस एफ, और 100 का गुणा 1 से करोगे 100 सेंटीमीटर, माइनस उधर चला जाएगा तो यह बराबर क्या हो जाएगा माइनस 100 सेंटीमीटर। यानी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फोकस दूरी क्या आई है, ऋणात्मक आई है, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आई है तो लेंस कौन सा होगा अवतल लेंस होगा, कौन सा होगा अवतल लेंस होगा। ये हो गई प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर समाप्त हो जाता है। आपके इस सीरीज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अब आप उसको भी देख लीजिएगा लास्ट। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, यानी वो अगर 10 मीटर की दूर पर वस्तु है तब भी उसको वो देख नहीं सकता, यानी V का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। आगे करा चिन्ह परिपाटी लगाओगे तो V का मान कितना हो जाएगा माइनस 10 मीटर। आगे कर रहे हैं कि वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दे सकता, अनंत पर स्थित किसी वस्तु, यानी U का मान अनंत दे रहे हैं, वो भी माइनस अनंत हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अनंत पर स्थित किसी भी वस्तु को देखने के लिए, अनंत पर स्थित तो U बराबर अनंत, देखने के लिए किस फोकस दूरी क्षमता वाले लेंस का आवश्यकता होगी, तो किस फोकस दूरी, एफ भी ज्ञात करना है, देखिएगा किस फोकस दूरी यानी एफ, और क्षमता यानी पी ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे कितनी रेटिंग देना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पता नहीं कितनी रेटिंग दे दो उसको, ठीक प्यारे बच्चों। तो आइए लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या था, 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। अब V का मान कितना देख सकते हैं, 1 बटे माइनस 10 है, फिर माइनस है 1 बटे यू, तो माइनस इनफाइनाइट है बराबर 1 बटे एफ, तो ये देखिएगा 1 बटे माइनस 10 है, माइनस माइनस प्लस 1 बटे इनफाइनाइट बराबर 1 बटे एफ, तो ये इसका कोई मतलब होने वाला नहीं प्यारे बच्चों, 1 बटे माइनस 10 बराबर एफ,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ का मल्टीप्लाई एक से करोगे एफ बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, एफ बराबर आ गए आपके एफ बराबर आ गए -10 मीटर। यानी फोकस दूरी क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई। कौन सी आ गई, फोकस दूरी ऋणात्मक आई, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है तो लेंस अवतल हो जाएगा, धनात्मक आएगा तो उत्तल हो जाएगा। लास्ट इसी में पूछा है क्षमता, क्षमता पूछा है, तो क्षमता पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर होता है 1/f, तो ये एक है। एफ का मान कितना है, -10 है, तो -10 डिवाइड करोगे तो पी बराबर आ जाएगा 0.1 डायोप्टर। तो पी बराबर क्या आ गया, -0.1 डायोप्टर। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो ये 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए गए थे वो आज आपके समाप्त हो जाते हैं। अब अगले जो यूनिट है आपका विद्युत, उससे भी आपको टॉप 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्व करा दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।